पुंडरीक जी, श्री कृष्ण ने जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की जान बचाई थी, तो क्या आज के समय में ऐसा कोई मंत्र है कि जिसे मंत्र जाप करने से ही कृष्ण जो है गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, उत्तरा के द्वारा कहा गया है। अच्छा, उत्तरा ने ही जब पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते ऐसे कहकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। Okay. तो मैं तो भागवत जी की कथा कहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे हिसाब से पूरी भागवत जी ही मंत्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र तो भगवान का नाम है, उससे ऊंचा मंत्र धरती में कोई नहीं दे सकता। फिर भी अगर टू बी प्रिसाइज आपका क्वेश्चन जैसा है, मैं कहूँ तो आपने उत्तरा की बात की, तो उत्तरा ने खुद जिस श्लोक से श्री कृष्ण को पुकारा था वो श्लोक बहुत अच्छा है। बल्कि मैं, मेरे से कोई अगर बहुत स्पेशली कोई ऐसी गर्भवती मेरी शिष्या या वैष्णवी ये जिज्ञासा करती है, तो मैं तो उसको यही प्रार्थना करता हूँ कि 9 महीने में वो भागवत जी का पाठ करे। अच्छा। और पाहि पाहि महायोगिन, ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का श्लोक है। ओके। जहाँ उत्तरा ने श्री कृष्ण को बुलाया था, उस श्लोक को हर अध्याय का संपुट लगा करके 9 महीने में पाठ करे तो उसकी गर्व की भी रक्षा होगी, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, वो अच्छा फील करेगी, डिवाइन कनेक्ट करेगी, बच्चा भी अच्छी चीजें सुनेगा, तो उसके जीवन में भी और अच्छी उल्लास शांति सुख उसको प्राप्त होगा। तभी बोला भी जाता है ना कि अगर कोई गर्भवती महिला है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान के गीत सुनो, और वो यही सब चीजें इसी वजह से कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा गहरा पड़ता ही है, क्योंकि वही बात होगी ना, गर्भ संस्कार, आपके संस्कार वहीं से ही बनते हैं। जो सुनते हो आप, अभिमन्यु हुआ, प्रहलाद हुए, ये सब हम लोगों ने हजारों साल पहले जान लिया। मेडिकल साइंस ने कुछ समय पहले इस चीज को जाना है। जर्मनी में बहुत बड़ी रिसर्च हुई, मैंने ऐसा सुना है कि एक रूम में एक बच्चे, एक महिला को रखा गया जिसके चारों तरफ मेडिकल सारी बातचीतें थी, वही एनवायरनमेंट था। दूसरा रहा जो लिटरेचर के बीच में रहा, तो दोनों की लाइफ में इंटरेस्ट, रुचि, कैसे सर्वाइव हुए, उसके पीछे पूरी एक थॉट स्टडी हुई है। हम लोगों ने तो कब लोग से घोषणा कर दी कि भाई गर्भ के टाइम एक चीज समझिए, गर्भ में जो बच्चा होता है तो उस समय उसकी हियरिंग पावर ना दसियों गुना, रिसेप्टिविटी हजारों गुना तेज होती है। जैसे आप इसी रूम में लाइट बंद कर दीजिए, बिल्कुल गहन अंधेरा कर दीजिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपके कान की शक्ति तेज हो गई है, आपको दूर से आवाज सुनाई देना अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेंसेस, आंख से दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया, कान हाथ छू नहीं पा रहे, तो आप कान से ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये सिचुएशन बच्चे में तो बहुत बड़, बच्चे के अंदर सबसे पहले बाहर का कनेक्ट ही कानों से होता है, वो छू तो सकता नहीं है, दिख रहा नहीं अभी इसको, माँ के गर्भ में सुन ही रहा है, हाँ, और वो उसने कुछ टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि नेबल कॉर्ड से उसको खाना जा रहा है, उसने अभी तक सांस भी नहीं लिए, उसको स्मेल नहीं आती, स्मेल आती तो वो नीचे मलमूत्र के एक पिंड में थोड़ी ना रह सकता था, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन भी उसको नेबल कॉर्ड से जाती है, ये तो मेडिकली प्रूवन है। हाँ, हाँ। तो उसको ना टच है, ना उसको टेस्ट है, ना उसको कुछ नहीं है, अगर वो कुछ कर सकता है तो केवल सुन सकता है। और ये हमारे यहाँ शास्त्रों में, रामायण महाभारत पुराणों में कब से लिख दिया गया था, इसलिए 9 महीने अच्छी अच्छी चीजें जरूर करनी चाहिए, जो माताएं खुश रहती हैं उनके बच्चे भी सदा खुश रहते हैं। अब ये बात दूसरे बच्चे के अपना प्रारब्ध है, संस्कार है, वो भी फलित होता है, बट एवरीथिंग मैटर्स, सब चीज मैटर करती है, हर चीज उसके लाइफ में अच्छी होती है, तो यही हमारे यहाँ का विज्ञान जी। बिल्कुल, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, तब द्रौपदी ने एक बार ही श्री कृष्ण को माधव कहकर पुकारा और माधव आ गए। आज के हिसाब से भक्ति में कैसी शक्ति चाहिए कि कृष्ण को या भगवान को, जिसको भी आप मान रहे, एक बार आपने पुकारा और वो आ गया आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है कि भक्ति बिल्कुल स्पष्ट, मेरे कहने का मतलब क्लियर होनी चाहिए, मतलब ईमानदार होनी चाहिए। अच्छा। सरल शब्दों में कहूं तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ईमानदार, बिल्कुल निर्मल। रामचरितमानस में लिखा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या भक्ति कपट में तो नहीं हो रही? कि इसलिए तो भक्ति नहीं हो रही क्योंकि हम ये चढ़ाएंगे और ये हमें मिल जाएगा, कुछ लेने की भावना से, कुछ लेने की भावना से तो भक्ति नहीं हो रही। तो वो माधव, फिर वो माधव वो काम नहीं करेगा।
फिर वो माधव वो काम नहीं करेगा। आप ये भी समझिएगा, द्रौपदी ने कृष्ण से भक्ति इसलिए नहीं करी है क्योंकि कृष्ण बचा लेते, अगर उसे पता तो पहले ही नाम वो माधव लेती। वो तो श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करती है, उनकी भक्त है, वो तो सखी है। पहले सबको पुकारा, सबको बुलाया कि जो वहां खड़े उनको बताया क्या प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच है। हम आप में से कोई होता तो उल्टा करता, करता कि नहीं करता, बोले पता ही है भाई भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अब द्रौपदी को बचाया तो मैं क्यों बोलूं पांच पतियों से, क्यों बोलूं मैं धृतराष्ट्र से, क्यों बोलूं मैं सीधे पुकारूं हे केशव आओ, हे केशव आओ। पर द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। तो अपनी भक्ति को कपट से मत कीजिए, छल से मत कीजिए, आप अपनी भक्ति को पवित्र स्पष्ट ठाकुर जी के साथ बिल्कुल ईमानदार भक्त रहिए, जितने हैं उतने रहिए, लेन देन वाली भक्ति से ऊपर उठिए। जब लेन देन वाली भक्ति से ऊपर उठेंगे तो मैं कहूंगा माधव बोलोगे तो ध व बाद में आएगा, माधव पहले खड़े होंगे। मेरे कहने का मतलब लेन देन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बचाते हैं इसलिए मैं आपकी भक्ति करूं, और नहीं बचाए तो फिर भगवान पे कोसते हैं, भगवान को कोसेंगे। तो ये वाली चीज को चेंज करना है। किसी मीरा को जहर मिला, मीरा ने एक भजन नहीं लिखा जिसमें उसने शिकायत की कृष्ण से कि मैं आपकी इतनी भक्ति कर रही हूँ, मेरे घर से निकाल दिया, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, रानी होती हुई भी प्रेम में प्रेम दीवानी, मेरा मीरा मेरा दर्द न जाने कोई। द्रौपदी ने एक लाइन नहीं लिखी कहीं। आप देखिए पांडवों की लाइफ कितनी स्ट्रगल में चली है, जंगलों में ही रहे, उसके एक तरफ शिकायतें नहीं करी। हमारी प्रार्थनाओं में शिकायतें ज्यादा है, कामनाएं ज्यादा है, हमारी प्रार्थना में भावनाएं कम है। भावना हम क्या, हम तो दूसरे का भजन उठा, मीरा ने जो बोला वो सूर ने नहीं बोला, जो सूर ने बोला वो कबीर ने नहीं बोला, पर हमें तो कबीर बोलना पड़ता है, सूर बोलना पड़ता है, मीरा बोलनी पड़ती है, क्योंकि अपना तो मामला अंदर खाली है। जब अंदर का भरा होगा तब माधव बोलो, उसके लिए संबंध बनाना पड़ेगा उसके साथ। सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाओ, लेन देन नहीं, आप रिलेशन बनाइए। हे कृष्ण आप मेरे सखा हो, या हे कृष्ण आप मेरे पुत्र हो, या हे कृष्ण आप मेरे पिता हो, या हे कृष्ण आप मेरे स्वामी हो, या हे कृष्ण आप मेरे प्रियतम हो, कुछ एक संबंध तो बनाओ और संबंध को निभाओ। ये तो एक्स्ट्रा चीज है कि वो बचा लेगा। एक पशु से संबंध बन जाए तो वो आपको बचाने के लिए तैयार हो जाता है। एक पशु से संबंध बन जाए, मैं कुछ दिन पहले बच्चों को एक चिड़ियाघर में लेकर के गया, आउट ऑफ इंडिया था, तो मैंने देखा कि वो शेर को एक जना खिला रहा था, और मुझे याद है कि उसी का एक व्यक्ति उसी टीम का जो उसको खिलाता था रोज, उसको धक्का देने लगा ऐसे खेल खेल में। वो शेर उसको देखकर एग्रेसिव हो गया कि जो मुझे रोज खिला रहा है तूने उसको क्यों पीछे धक्का दिया। तो मैं ये देख के उस दिन चौंकने लगा कि अगर शेर से संबंध बन जाए तो वो बचाने को तत्पर हो जाता है, तो जगत के पति से संबंध बन जाए तो वो क्या नहीं करेगा। पहले आप ये तो, हम तो केवल लेन देन के चक्कर में फंसे हुए, इसलिए आज यहाँ जाते हैं, फिर कल वहां जाते हैं, फिर परसों वहां जाते हैं, मंगताओं की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। माया मिली न राम, बहुत जरूरी है, माया मिली न राम, न माया मिली न राम मिला, दोनों ही नहीं मिले, और न माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर।